दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मालदीव के द्वारा इंडिया से अपने जो रिलेशन है उसको काफी ज्यादा खराब कर दिया गया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मालदीव इंडिया के काफी ज्यादा करीब है और यही कारण है कि मालदीव इंडिया के ऊपर खाने पीने की चीजों पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बताया जा रहा है कि मालदीव के अंदर एग्स यानी कि अंडों को लेकर काफी ज्यादा कमी होने वाली है, क्योंकि मालदीव को सबसे ज्यादा अंडों की जो सप्लाई है वो इंडिया से की जाती है। बेसिकली इंडिया के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका के अंदर अंडों की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा किया जाता है और यहीं से मालदीव्स को अंडों की सप्लाई भी की जाती है। लेकिन हमने देखा है कि हाल ही में मालदीव्स और चाइना के बीच के जो रिलेशन है वो काफी तेजी से मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों मालदीव्स को चाइना से किसी भी प्रकार के सामान को इम्पोर्ट कराना काफी ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया मालदीव्स के काफी ज्यादा पास हमें देखने को मिलता है और इसी कारण जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा इंडिया पूरे एशिया में दूसरे नंबर पर अंडों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ऐसे में जो अंडे इंडिया से मालदीव्स को सप्लाई किए जाते हैं उनकी जो कीमत होती है वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में सस्ती होती है। लेकिन दोस्तों अब मालदीव्स के लिए एक काफी बड़ी चिंता की खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि हाल ही में रशिया के अंदर अंडों की जो शॉर्टेज है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं और इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया के द्वारा काफी बड़ी संख्या में रशिया को अंडों को सप्लाई किया जाने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मालदीव्स में सबसे ज्यादा अंडों की जो सप्लाई है वो इंडिया से की जाती है, ऐसे में एक्सपर्ट के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि अगर इंडिया के द्वारा काफी बड़ी संख्या में अंडों को रशिया भेजा जाता है तो उसके बाद मालदीव्स को जो अंडों की सप्लाई की जाती है उसमें बहुत बड़ी कमी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण मालदीव्स में अंडों की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है। ऐसे में मालदीव्स को चाइना जैसी कंट्री से अंडों को इम्पोर्ट कराना पड़ेगा और चाइना से अंडों को इम्पोर्ट कराना मालदीव्स को काफी ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।